अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का जो नाम है ये है हमारा व्यवहारों का न्यूरोदायिक अवधारणा, और ये सेवेंथ चैप्टर हो जाता है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजी में, यानी न्यूरोसाइकोफिजिकल फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर्स, यानी व्यवहारों का न्यूरोदायिक आधार न्यूरो साइकोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर्स। तो ये और सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद जो है हम सब्जेक्टिव भी देख लेंगे, और उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी जब आप वन बाय वन पढ़ देंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है पी कोशिका तथा एम कोशिका, यानी पी सेल और एम सेल निम्नांकित में से किस में पाए जाते हैं, तो ये आंसर याद रखिएगा गैंग्लियन कोशिका में, क्या गैंग्लियन कोशिका में पी और एम सेल पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब व्यक्ति जाने पहचाने व्यक्तियों को उनका चेहरा देखकर पहचान नहीं पाता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, यानी जो दिमाग है ना उसका वो काम ही नहीं करता, सामने जिसको जिसके साथ वो हमेशा बैठता था बातचीत करता था उसको बेचारा वो नहीं पहचान पाता, और इस बीमारी को क्या कहा जाता है प्रोसोपैग्नोसिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गन ऑफ पोल्टी एक भाग, आर्गन ऑफ पोल्टी ये फर्स्ट है सेकंड चैप्टर में भी पढ़ना है, तो याद रखिएगा अंतःकरण का एक भाग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलमस का लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस का संबंध किससे होता है, थैलमस का लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस का संबंध किससे होता है, याद रखिएगा दृष्टि प्रत्यक्षण से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कान में आंतरिक केश कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 12,000 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकलिया का श्रवण तंत्रिका, कोकलिया या श्रवण तंत्रिका को क्षतिग्रस्त हो जाने से निम्नांकित में से किस तरह का रोग है वो उत्पन्न होता है, तो आंसर याद रखिएगा संवेदी तंत्रिकीय बहरापन होता है, यानी डिफनेस जो बीमारी है संवेदी तंत्रिकीय यानी सेंसर सेंसरी न्यूरल डिफनेस नामक बीमारी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार नियंत्रण सिद्धांत का संबंध, यानी गेट कंट्रोल थ्योरी का संबंध है निम्नांकित में से किससे है, तो द्वार नियंत्रण सिद्धांत कान दर्द से संबंधित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किनकी संख्या सबसे अधिक होती है, निम्न में से किनकी संख्या सबसे अधिक होती है, आंसर याद रखिएगा होनगी फार्म पापिले, होनगी फार्म पापिले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल हाइपोथैलमस को माना गया है, लेटरल हाइपोथैलमस को भूख केंद्र माना गया, आंसर याद रखिएगा भूख केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोशिकाओं में नमक एवं अन्य आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो इससे कोशिकाओं के भीतर जल का विसरण बढ़ जाता है और वही कोशिकीय कक्ष में पानी की कमी हो जाता है, यानी बाहरी जो होता है उसमें पानी कम हो जाता है और अंदर जो पानी है वो बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह की प्यास उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा इसको हाइपोवोलेमिक प्यास जो है वो उत्पन्न होती है, और जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके देखेंगे तो वहां पे हाइपोवोलेमिक प्यास और ऑस्मोटिक प्यास आदि के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्राणी को एक ही जगह या स्थान पर कुछ दिनों के लिए लगातार रखा जाता है तो लैंगिक चक्र कमजोर पड़ जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को लिवुड प्रभाव कहा जाता है, क्या लिवुड चक्र कहा जाता है या प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली कोशिका द्वारा किन का निर्माण होता है, सर्टोली कोशिका द्वारा किन का निर्माण होता है, आंसर याद रखिएगा शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जो पुरुषों में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय मस्तिष्क प्रकल्पना के अनुसार मस्तिष्क के तीन प्रारूप बतलाए गए, निम्नांकित में से कौन इन तीनों की सूची में नहीं, तो याद रखिएगा
हाइपोथैलेमिक मस्तिष्क नहीं होता। कौन कौन से मस्तिष्क होते हैं? तो नियो मिलेनियल मस्तिष्क होता है, पहलो मैमिलियन मस्तिष्क होता है और रेप्टिलियन मस्तिष्क होता है। यही तीन प्रकार जो है वो मस्तिष्क होते हैं। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग में मस्तिष्क के विभिन्न भागों या हाइपोथैलेमस, साइन गिगलेट ग्लाइरस, हिप्पोकैम्पस, फोर्निक्स, अग्रथैलेमस आदि मिलकर एक सर्किट का निर्माण करते हैं, एक सर्किट को ये बनाते हैं और संवेगात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को कहा जाता है, इस सिद्धांत को पापेज सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद तरंग नींद किसे कहा जाता है? मंद तरंग नींद किसे कहा जाता है? तो मंद तरंग जो नींद है ये तीसरी और चौथी अवस्था की नींद को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएम नींद का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? क्या आरईएम नींद का नियंत्रण निम्नांकित में से कौन करता है? आंसर याद रखिएगा, डार्सोलेटरल सेतु यानी डार्सोलेटरल पोन्स, याद रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंद तरंग नींद का नियंत्रण सामान्यतः कहां से होता है? जो मंद तरंग नींद होता है इसका नियंत्रण जो होता है बेसल अग्र मस्तिष्क क्षेत्र द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन प्रभावकारिता से अधिगम की प्रक्रिया मजबूत होती है ना कि कमजोर होती है? यानी ऑप्शन में रहेगा कमजोर होती है, मजबूत होती है या प्रभावित होती है। तो आंसर आप धड़ाधड़ मजबूत होती है मार दीजिएगा, दीर्घकालिक प्रभावकारिता से अधिगम की प्रक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन स्मृति में निम्न में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक बार कोई चीज देख लिया तो उसको सालों साल याद रखें। इस ये जो है ना मेमोरी होती है इस तरह की, उसमें हिप्पोकैम्पस की जो भूमिका होती है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन स्मृति में किसकी भूमिका की पहचान सबसे अधिक होगी? तो इसमें आरएनए की पहचान हुई है, डीएनए की नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाता है।